हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ऑनलाइन मेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क एंड परसेंटेज ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। प्रॉफिट लॉस के दो लेक्चर और बनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं जहां पर एसएससी से जुड़ी तमाम जानकारियां, जैसे नोटिफिकेशन, नोट्स, जीके क्विज, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हमारे फ्रेंड्स वगैरह डालते रहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। ये आपको हमारे चैनल के राइट साइड में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर इन 2 सेकेंड। देखिए, मैजिकल ट्रिक से बताऊंगा 2 सेकेंड में आप कैसे 2 नंबरों का गुणनखंड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा इसके बारे में। 3 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, सपोज हमारे पास 2 नंबर है। पहला नंबर है ए बी, दूसरा नंबर है सी डी। ठीक है, ए बी कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, सी डी कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो करना क्या है, पहले जनरल जनरल रूल देख लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। सपोज हमारे पास पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, मतलब ए हमारा कौन सा होगा, टेस्ट डिजिट, और बी होगा हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है, ये वाले आपका होंगे यूनिट डिजिट, ये होगा आपका टेंस डिजिट। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली उसी तरह टेंस डिजिट टेंस और यूनिट डिजिट यूनिट, दूसरे नंबर का भी लिख लेना है। फिर आप क्या करोगे, राइट साइड से इन नंबरों का मल्टीप्लाई करना, लाइक बी एंड डी। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना, जैसे लिखे ऐसे लिख रहे हैं ना, अब डायगनली आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले लेफ्ट वाले डायगनल को फिर राइट वाले डायगनल को, दोनों का मींस पहले मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट वाला, ए डी प्लस बी सी, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में जब आप आओगे, तो जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में लिया था ऐसे थर्ड स्टेप में भी लेना, मतलब लेफ्ट वाले को, मतलब टेंथ डिजिट को आपने मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये तो हमारा जनरल रूल रहा। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए आप। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, 23 को आपने मल्टीप्लाई करना है 25 से। ठीक है, तो कई लोग तो शुरू हो जाएंगे भाई, 5 3 15 और ये सब करना शुरू कर, कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको हमने कम से कम समय में करना है, तभी आप एसएससी को बचा सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके देखो। हाँ, अगर आपको टेबल आती है तो बढ़िया, 25 की टेबल आए तो जल्दी कर लोगे आप। अगर टेबल नहीं आती फिर बहुत समस्या हो जाएगी, और वहां पे आपको ये तो 2 डिजिट का नंबर, आगे 3 3 डिजिट के नंबर मिलेंगे। कैसे करना, तो पहले हम 2 डिजिट का सीखेंगे, उसका 3 डिजिट का भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, तो आप देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ए हो गया, बी हो गया 3, सी बी हो गया 2 और डी हो गया 5। देखो 2 लिख लिया हमने, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब देखो 3 और 5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 3 × 5 हमारा हो गया 15। ठीक है, तो 15 का हम लोग क्या करेंगे, 5 रख लेंगे। ठीक है, और जो 1 है उसको कैरी ले लेंगे, मीन्स कैरी अगली बार में होगा। अब सिमिलरली इसको भी कर लो, 2 3 2 5। नेक्स्ट रूल स्टेप 2, स्टेप टू में क्या बोला था मैंने, डायगनली मल्टीप्लाई करना, ऐसे ये ऐसे मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना था। 2 5 जा 10 और 3 2 जा 6, 16, 16 + 1 कैरी 17। अब फिर से लास्ट डिजिट यहां पे लिख देना, मीन्स ये 7 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, 1 कैरी फिर बच गया, हमेशा 10th डिजिट कैरी जाएगा आपका। अब थर्ड स्टेप पे जाओ,
स्टेप में क्या किया, सेम वही चीज, इस बार हम लेफ्ट वाली ब्लॉक को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into 2 4, कैरी हमारा 1, तो ये हो गया 5। अब यहाँ 5 लिख लो, तो ये हो गया 575। मींस जब आप 23 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 575 आएगा। ठीक है, ये चीज इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको माइंड में करना है। अब देखिए कैसे माइंड में करेंगे, फर्स्ट क्या करना है, राइट साइड चलना है, इसको मल्टीप्लाई आपने किया, ये 15 आया, 15 का 5 लिखना है, 1 ऊपर कैरी। ठीक है, फिर इसको इससे करना है, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 5 और 10 ये होगा आपका 10 और 6 16, 16 प्लस 1 17, फिर से एक कैरी आ गया, फिर ऊपर एक लिख लो। अब इसको कर लो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, सिंपल है ना। तो इसकी जो शॉर्ट मतलब डायग्राम वाली ट्रिक बता दूं मैं, वो क्या होगी, शॉर्ट अप्रोच मींस ए बी सी डी, सबसे पहले ऐसे जाना, ठीक है, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना और फिर ऐसे जाना, समझ गए, मतलब पहले ऐसे फिर डायगनली फिर ऐसे, जहां से चले थे वैसे चलना है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और करा देता हूं आपको, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पर ये वाला जो मेथड है ना आपका स्क्वायरिंग में भी यूज हो जाएगा, देखो अभी कैसे मैं बताता हूँ स्क्वायरिंग में कैसे यूज होगा। सपोज चलो 25 का लेके देखते हैं हम लोग, तो 25 × 25 करना है, कैसे करेंगे, फिर वही मेथड, अभी आप लोग को समझ में आ गया ए बी क्या लेना है तो उसकी दिक्कत नहीं है। 2 5 2 5 लिख लिया आपने, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 25, ठीक है, 25 में 2 कैरी, 2 5 10 और 2 5 10 और 2 कितना हो गया, 10 2 20 और 2 22, फिर से 2 कैरी, 2 2 4, 4 और 2 6, कितना सिंपल है ना, 625। आप लोग को याद भी होगा 25 का स्क्वायर 625, भाई 35 तक तो स्क्वायर आप लोग याद ही कर लो क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा करना कि जहां भी आप पढ़ते हो ना, स्टडी टेबल है आपका, जहां पे मिरर देखते हो वहां पर आप क्यूब और स्क्वायर एटलीस्ट 30 तक लिख के रख लो, तो वो जब बार बार चीजें आप देखोगे ना तो आपको वो याद हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं आपको, सपोज कर लो 42 मल्टीप्लाई 70, ठीक है, फिर से एग्जाम्पल थर्ड लिख लो उसको, ये इसको पहले किया राइट साइड से, 0 आ गया, नो कैरी, डायगनली 0, 4 × 0 0, 4 × 0 0 प्लस 2 × 7 14, तो 0 प्लस 14 14, ठीक है, 14 का 4 यहां लिखा जाएगा, 1 कैरी। अब देखो लेफ्ट साइड से 4 7 28 प्लस 1 29, 2 9 40, वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो कैसे 0 7 9 14 7 6 28 29। ये रिजल्ट की एक ड्रॉबैक यही है कि ये सिर्फ 2 नंबर्स पे ही अप्लाई होगा, ओनली 2 नंबर्स ओनली एप्लीकेशन रूल है ये। ठीक है, आगे मैं आपको 3 डिजिट का बताऊंगा, स्क्वायरिंग बताऊंगा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा, बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका टाइम बहुत सेव करती है। मान लो अब वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिससे बच्चा कैलकुलेशन में फंसे, तो आपको एजम्पशन लेके चलनी होगी, अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। अब आपको पता है कि 25 का स्क्वायर कर लो तो लास्ट में 5 है, 5 का मतलब लास्ट में 5 आएगा, तो ऑप्शन देखो डायरेक्ट 5 वाला कौन सा है, उसमें टिक मारो। ठीक है, तो ये सब होते हैं, तो जिनको ना समझ में आया हो प्लीज फ्लैशबैक में जाएं और सोचें, फिर हमारा वीडियो देखें दोबारा से, क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 2 4 बार करोगे इजिली आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे ही मैं 2 3 छोटी वीडियो और लाऊंगा,
कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कैसे आप एड फास्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और क्यूब रूट स्क्वायर रूट फाइंड करने की। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ठीक है। मेरा मोटिव यही है कि बिफोर 25 मई आई विल कंप्लीट योर होल सिलेबस ऑफ SSC CGL मेंस एंड ऑल्सो ट्राई टू कवर योर रीजनिंग एंड जनरल साइंस पोर्शन, बट इट विल बी मोर हेल्पफुल इफ यू विल फॉलो अवर फेसबुक पेज फॉर जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज इंग्लिश वोकैब्स। देर इज अ गुड वर्क डन बाय द सूरज सर, सो यू कैन फॉलो दैट पेज एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन लाइक अवर पेज FB पेज SSC ऑनलाइन मेंटर ओके ऑन फेसबुक। आप इसको सब्सक्राइब चैनल के थ्रू भी कर सकते हो, वहां पर क्लिक आर्ट के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेरी हो, कमेंट हो, सजेशन हो तो जरूर कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, ठीक है। मैं वहां पढ़ता रहता हूँ कमेंट आप लोगों के, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग अगर कुछ भी सजेशन दोगे, ठीक है। तो प्लीज प्लीज जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।